इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आज के कंसोलिडेशन के बाद या फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे गिरने के लिए तैयार हो रहा है या फिर दोबारा से आपको यहाँ पर बाउंस देखने को मिलेगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते ऑप्शन हैं। चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे नई सीरीज का, यानी सितंबर मंथ की सीरीज का आज पहला दिन था और वीकली फर्स्ट सीरीज स्टार्ट हुई है। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और गैप अप ओपनिंग के बाद हमें क्या देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मार्केट एट 11 के वीडियो में भी मैंने आपको यही चीज़ समझाया था कि अगर आपको बाय करना है तो आप मार्केट को नीचे आने दीजिए, 17,600 और 580 के आसपास आप एक बार बाय करके काम कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये 17,580 से रिवर्स हुआ, इसने जो ऑलमोस्ट रिकवरी दिखाई थी, करीब 50 पॉइंट की रिकवरी दिखाई थी। मुझे एक्सपेक्टेशंस ये था कि 17,650 तक दोबारा से जा सकता है, बट नहीं गया और फिर पूरे दिन ये नीचे की तरफ बढ़ता रहा और एक कह सकते हैं एक गैप अप ओपनिंग के बाद एक नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड करता रहा है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी, आपका बैंक निफ्टी भी ऊपर खुला, इसने पूरा अपना जो गेन था उसको डायल्यूट किया। उसका जो लो बना था वो अराउंड 38,860 के करीब का लो बना था, जो कि कल की लो के आसपास का ही था, ठीक है ना। बट ये तो आज का ट्रेडिंग सेशन है, अब मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जिन लोगों ने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स ख़रीदा है, बाय कर रखा है, उन लोगों के लिए मैं आज तीसरा सपोर्ट वीडियो बनाऊंगा और उनकी मेल आईडी पे वो लिंक शेयर करूंगा, जो वीडियो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। तो प्लीज़ आप अपने मेल को रात को 8 या 8:30 बजे के बाद ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको वो लिंक मिल जाएगा। और अगर आपके मेल पे नहीं आता है तो मुझे आप व्हाट्सएप करके वो वीडियो ले सकते हैं। और जो भी लोग नए इंटरेस्टेड हैं जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के लिए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, आप वहाँ से चेक करके उस कोर्स को बाय कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मार्केट की। अगर मार्केट को अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्लियरली मार्केट ने एक फॉल दिखाया, फॉल के बाद रिकवरी दिखाई और रिकवरी के बाद फिर कह सकते हैं हम थोड़ा सा साइडवेज सा मार्केट दिख रहा है, थोड़ा सा फॉल के साथ। अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो आप देखो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है मैंने। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, आपको ये समझना है कि यहाँ से हम गिरे, फिर हमने ऑलमोस्ट ये पूरी रिकवरी दिखाई, फिर हम गिरे हैं, ठीक है, फिर हम गिरे हैं, फिर हम आज गैप अप खुले और फिर गिरे हैं। तो जब तक एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो पूरा जो डे का जो प्राइस एक्शन है ना, वो चेंज कब होता हुआ दिखाई देगा, जब हम इस लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। जब तक इस लो के नीचे नहीं जाते हैं, हमारा डे का जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव नहीं होगा। ये चीज़ आप क्लियरली चार्ट में समझ लीजिए। इसको और डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। तो ऑप्शन चेन डाटा में मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं इसको, तो अराउंड आप देख सकते हो 17,600 की कॉल पे करीब 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। और पुट पे कितना दिख रहा है आपको, 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 17,500 की बात करें तो कॉल साइड पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड पे कितना है, 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 17,700 की कॉल पे 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है और 17,700 की पुट पे 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें तो 17,500 हमारे पास सपोर्ट है, 17,500 17,400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है हमें, 17,700 पे मिल रहा है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा एग्रेसिव कॉल राइटर बैठे हैं और चार्ट पे भी मार्केट इस लेवल पे होल्ड नहीं कर पा रहा है। ये चीज़ हमें क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं डे चार्ट लगाऊँ तो डे चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से जो प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ओके, ये अभी भी स्टिल पॉजिटिव ही इंटैक्ट है। आप देख रहे हो कोई भी स्विंग लो अभी ब्रेक नहीं हुए हैं। अगर हम इस लो की भी बात करें, इस लो की भी बात करें, तो कोई भी स्विंग लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुए हैं और मार्केट ने ये नया स्विंग बनाया जो कि इसके हायर है और अभी ये ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो जब भी ये नीचे की तरफ इस लो को ब्रेक करेगा ना, तो आपको करीब 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर। बट जब तक आप इस लो के नीचे नहीं जा रहे हो, तब तक आपको यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव सेलिंग प्लान नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से आप सोच सकते हो कि मार्केट
थोड़ा बहुत नेगेटिव है इंट्राडे के साथ से, लेकिन डे चार्ट पे अभी भी आपका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। जैसे आप इस हाई के यानी कल के हाई के ऊपर निकलोगे तो ये जो पॉजिटिविटी है और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, तो उसके लिए देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये दोनों लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, अगर आप इस हाई को और ये इस तरीके से मैच करते हो तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, अब देखो आपके पास दिख रहा है क्लियरली, अब ये जो ट्राइंगल है, ये आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये जो ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, अब ये नैरो होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो ये ऊपर ब्रेक करेगा या फिर नीचे ब्रेक करेगा। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो आपके पास नीचे जो टारगेट है ना वो 17,400 17,350 के हैं, और अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो आपके पास जाहिर सी बात है जो टारगेट है वो 17,725 का टारगेट है, और अगर 25 को भी निकाल देता है ये तो आप 17,800 17,900 तक दोबारा से जाते हुए देखोगे निफ्टी को। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आपको इस चैनल पर फोकस रखना है, ये ट्राइंगल चैनल का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको दिला सकता है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब अगर यहाँ पे और थोड़ा बहुत फोकस करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ के जो सपोर्ट एरिया है वो भी आपको दिखेगा कि ये आपके पास एक सपोर्ट है और ये आपके पास एक सपोर्ट है। यानी अगर ये नीचे ब्रेक होगा तो 17,412 आपका पहला टारगेट होगा, अगर 17,400 के नीचे जाता है तो 17,350 आपके लिए टारगेट बनेगा। ठीक है, तो निफ्टी को आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा कि निफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा दिख रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी के लिए देखो, अगर आप बैंक निफ्टी को भी फॉलो करोगे तो बैंक निफ्टी भी आपको क्लियरली यही चीज़ इंडिकेशन करेगा, ये आप देख सकते हो, ये देखो। ठीक है ना, सेम बैंक निफ्टी भी आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा है, और नीचे के लेवल पे अगर आपकी बात करें तो आपके पास ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको आप मार्क करके चलिए, जो कि है आपका 38,750 का। 38,750 के नीचे आप दोबारा निकले तो फिर आप दोबारा से वीकनेस दिखा सकते हो, कहाँ तक का, 38,250 तक का टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है। इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, आज यूएस के अंदर एक इवेंट है, आपको पता है यूएस फेड का आज स्पीच है, और वो स्पीच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी मार्केट के लिए, क्योंकि वो क्या बोलते हैं रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन या फिर इंटरेस्ट रेट हाइक्स के बारे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आपको एक मार्केट न्यू डायरेक्शन बनाता हुआ दिखाई देगा। अभी तक आपने रिकवरी देखी थी, कल भी आपने यूएस मार्केट के अंदर उछाल देखा, तो हो सकता है कि उस स्पीच के बाद यूएस मार्केट ऊपर की तरफ शॉर्ट अप कर जाए या फिर नीचे की तरफ गिर जाए। अगर ऊपर की तरफ शॉर्ट अप करते हैं तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो करेक्शन हुआ है मार्केट में, ये बहुत ही अच्छा हेल्दी करेक्शन हुआ है, और इस करेक्शन के बाद बैंक निफ्टी इजीली 40,000 का लेवल या फिर 41,000 का लेवल टेस्ट कर सकता है, और निफ्टी आपको 18,300 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर यूएस मार्केट इस इवेंट को पॉजिटिव लेके चलते हैं। और अगर नेगेटिव लेते हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपके लिए नीचे जगह 17,350 17,000 की खुलती हुई दिखाई देगी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो डे चार्ट पे आपका जो बैंक निफ्टी है वो इतना ज़्यादा वीक नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी ये ऑलमोस्ट आपका हाई कितना था, 39,740, आप 39 पे क्लोज हुए हो, आपकी ऑलमोस्ट देखा जाए तो सिर्फ 700 पॉइंट ही ऊपर गिरा है, जबकि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है। तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट कर रहा है कंटिन्यूसली मार्केट को, और निफ्टी को हेल्प कर रहा है हायर लेवल पे सस्टेन करने के लिए। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं, तो करेंटली देख लेते हैं यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में 77 पॉइंट आपको दिख रहा है कि क्लियरली डाउ फ्यूचर डाउन है, और नैसडेक करीब 71 पॉइंट डाउन है। कल एक अच्छा उछाल देखने को मिला था, करीब 225 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर चढ़ के यहाँ पे नैसडेक बंद हुआ था, और डाउ के अंदर भी करीब 350 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी। ठीक है,
अब आज का ट्रेडिंग सेशन अगर ये पॉजिटिव निकल जाता है तो फिर हम समझ सकते हैं कि ये जो करेक्शन आया था इसका करेक्शन बॉटम बन गया है। फिर आपको दोबारा से मार्केट नेक्स्ट वीक में ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी चीज़ है, हमारे मार्केट के लिए काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं क्योंकि आपको पता है फेस्टिवल सीज़न आ रहा है। फेस्टिवल सीज़न में ऑटो सेल्स की बिक्री होती है वो काफ़ी अच्छी जाती है, प्लस ऑटो नंबर्स अच्छे आने के चांसेस होते हैं जिसकी वजह से आपको बैंकिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है क्योंकि जाहिर सी बात है लोग गाड़ियाँ लेंगे तो जाहिर सी बात है लोन भी कराएंगे। फेस्टिव सीज़न में जो बेसिकली आपकी FMCG की डिमांड होती है वो भी बढ़ती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड बढ़ती है, तो मार्केट के लिए ओवरऑल थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो ज़्यादा रहता है रादर देन नेगेटिव सिनेरियो। उसके बाद आपका जाहिर सी बात है फेस्टिवल सीज़न जैसे ही ख़त्म हो गया आप बजट की तरफ बढ़ोगे तो आपका जो दिसंबर और जनवरी के ट्रेडिंग सेशन होंगे उनमें थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकता है और फिर उसके बाद दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आपके आने वाले जो 2 से 3 4 महीने हैं इनमें पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से आपको ज़्यादा सोचना चाहिए रैदर देन नेगेटिव ट्रेडिंग सेशन। किसी भी रीज़न से अगर आपको निफ्टी 16,000 के आसपास जाता हुआ दिखाई देता है तो वो आपके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी एक लॉन्ग क्रिएट करने की, जो कि अगले 2 से 3 महीने में आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारे पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं तो दिन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।